तो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो गाइस वाली वीडियो में फिर से लेकर आ चुका हूँ मैं रेसलिंग एम्पायर का गेम प्ले। और आज मैच होने जा रहा है हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रूड्स। तो जल्दी से फटाक से इस मैच को करते हैं स्टार्ट। तो ये मैच जो है रेसलमेनिया के एरिना में मतलब लगाया है, क्योंकि अगर आपने अभी जो WWE का रॉ गया है मतलब रॉयल रंबल के बाद जो फर्स्ट रॉ हुआ है, अगर आपने उसे देखा हो तो आपको पता ही होगा कि सेथ रॉलिंस ने मतलब कोडी रूड्स से कहा था कि मतलब वो उन्हें भी चैलेंज कर सकते हैं, कोडी रूड्स चाहें तो सेथ रॉलिंस को रेसलमेनिया 40 में। तो शायद से इन दोनों का मैच भी हो सकता है अगर कोडी रूड्स सेथ रॉलिंस को चैलेंज करते हैं। तो इसीलिए आज मैं मैच कर रहा हूँ। और आ चुकी हैं यहाँ पर अभी हमारे रिंग के अंदर दी अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रूड्स, जो कि बैक टू बैक 2 रॉयल रंबल जीत चुके हैं, 2023 का रॉयल रंबल और 2024 का रॉयल रंबल। यार मतलब 2024 के रॉयल रंबल की मतलब कितनी ही ज़्यादा हाई चांसेस थे मतलब CM पंक के जीतने के, लेकिन CM पंक नहीं जीत पाए। और अब आ रहे हैं हमारे द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस, तो यहाँ पर आ चुके हैं। और मतलब CM पंक भी जो इंजर्ड हो चुके हैं रॉ में उन्होंने बताया था। तो यहाँ पर अभी तो मैच में देखते हैं अपने इस वाले में। तो यहाँ पर जो है दोनों ही रेसलर रिंग के अंदर आ चुकी हैं, और ये मैच जो है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैं बताना भूल गया था। तो देखते हैं क्या अमेरिकन नाइटमेयर मतलब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन पाएंगे या नहीं, क्योंकि इनके फादर का जो है सपना था मतलब वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना। तो यहाँ पर ओके सबमिशन में डाल दिया है सेथ रॉलिंस ने कोडी रूड्स को, तो कोडी रूड्स रिवर्स नहीं कर पा रहे, ओके रिवर्स कर दिया है कोडी रूड्स ने। और यहाँ पर ओके रिवर्स कर दिया और नीचे गिर चुके हैं कोडी रूड्स। तो यहाँ पर जो है सेथ रॉलिंस की जो फिनिशर वार है वो भरना शुरू हो गया है। और यहाँ पर ये ओके रिवर्स कर दिया, तो ओके यहाँ पर आर रिसीव कर दिया है कोडी रूड्स ने। और यहाँ पर कॉर्नर में इनका जो मूव है ये एक मतलब ओनली पंच मारना था, मैं सोच रहा था यहाँ पर सुपर फ्लैक्स होगा। तो ओके यहाँ पर एक स्प्लैश भी लगा दिया है कोडी रूड्स ने सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को। तो ओके यहाँ पर वो ये कर दिया कोडी रूड्स ने आयरिश स्वीप, और ये एक स्लैम। हाँ तो मतलब रॉयल रंबल में मतलब कितने ही तगड़े तगड़े रिटर्न्स होते हैं, लेकिन यार अब की बार का तो रॉयल रंबल मतलब कुछ पूछो ही मत, कोई मतलब नया रिटर्न्स तो छोड़ो मतलब ब्रॉक लेसनर भी नहीं आए और ना ही जॉन सीना, तो मतलब नहीं भी आते क्योंकि जॉन सीना का तो पहले पता था। तो मतलब ब्रॉक लेसनर भी नहीं आए यार। और यहाँ पर रॉक बॉटम लगा दिया सेथ रॉलिंस ने कोडी कटर को कन्वर्ट करके। तो मतलब मैं ये कह रहा था कि रॉयल रंबल में कितने मतलब रिटर्न आने के चांसेस थे, कि मतलब डीन एम्ब्रोस भी रिटर्न आज मतलब आ सकते हैं, और पता नहीं किन किन के तो रिटर्न मतलब आने के चांसेस थे, बट कोई रिटर्न नहीं आया। तो यहाँ पर ओके सुप्लेक्स लगा दिया है जो कोडी रूड्स है उन्होंने सेथ रॉलिंस को, और यहाँ पर एक और ये सुप्लेक्स। तो कोडी रूड्स का जो क्रॉस रूड्स जल्दी आने वाला है, और यहाँ पर ये लगा दिया कोडी कटर। तो अब तो मतलब एक मूव के बाद या दो मूव के बाद आ ही जाएगा मतलब फिनिशर। तो ये एक सुप्लेक्स, तो बस इसके बाद लास्ट मूव और शायद से फिर तो आ ही जाएगा क्रॉस रूट्स। तो यहाँ पर ओके ये लगा दिया डोमिनेटर कोडी रूट्स ने, जो कि मतलब बॉबी लेस्ली का सिग्नेचर है। और फिनिशर आते ही लगा दिया क्रॉस रूट्स, और यहाँ पर अभी क्रॉस रूट्स गया नहीं है तो अगेन देने जा रहे हैं, और बैक टू क्रॉस रूट्स। और अब शायद से किक आउट मुश्किल से ही कर पाएंगे सेथ रॉलिंस। टू वन ओके वन में किक आउट कर दिया, मतलब टू भी नहीं होने दिया। ओ सेथ रॉलिंस ऐसे थोड़ी ना हार जाएंगे अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो यहाँ पर एल्बो ड्रॉप भी लगा दी कोडी रूड्स ने, तो सेथ रॉलिंस की हेल्थ देखो और कोडी रूड्स की हेल्थ देखो। तो यहाँ पर फिर से अगेन लगा दिया डोमिनेटर सेथ रॉलिंस को कोडी रूड्स ने, और टॉप रोप पर जा रहे हैं कोडी रूड्स, और ये स्प्लैश लगा दिया। तो यहाँ पर ओके जो सेथ रॉलिंस की हेल्थ है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी है, और यहाँ पर ये क्या लगाने जा रहे थे पता नहीं मतलब क्या ही लगाने आ रहे थे, और रेफरी से टकरा कर गिर चुकी हैं सेथ रॉलिंस। तो क्या ये जीत पाएंगे मतलब सेथ रॉलिंस रिटेन कर पाएंगे अपनी चैंपियनशिप, या फिर कोडी रूड्स न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनेंगे। तो यहाँ पर रिवर्स कर दिया है कोडी रूड्स ने, नहीं सेथ रॉलिंस ने, और अब कोडी रूड्स ने भी रिवर्स कर दिया। यहाँ पर हरिकेन राना बोलते हैं ना शायद से इसे पता नहीं। तो यहाँ पर ओके रिवर्स पे रिवर्स हो रहा है, यहाँ पर सेथ ने फिर रिवर्स कर दिया, और यहाँ पर एक फिशरमैन सुप्लेक्स। तो कोडी रूड्स का फिनिशर आने वाला है, कोडी रूड्स क्या करने आ रहे हैं, ओके नॉर्मल क्रॉस रूड्स ओके कनेक्ट हो गया, तो पिनफॉल करेंगे क्या, ओके पिनफॉल ही कर रहे हैं। तो वन
टू और किक आउट तो कर ही देंगे। ओ थ्री मतलब फिनिशर खा के क्रॉस रूट्स, तो मतलब पिनफॉल नहीं करा, वैसे पिनफॉल करा लिया। तो क्या अपन न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन चुके हैं कॉडी रूट्स। तो मेरे प्रोडिक्शन के हिसाब से तो कॉडी रूट्स ही बनेंगे अगर रेसलमेनिया 40 में मैच होता है तो, क्योंकि कॉडी रूट्स बैक टू बैक रेसलमेनिया में तो नहीं हारने वाले। तो आ जाइए, आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, जाते जाते पटाख से जो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे 10 वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।